दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर डटे पहलवानों की पहली जीत, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज। नाबालिग से आरोपों को लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज, पुलिस की 2 टीम आरोपों की करेगी जांच। उधर बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने की उठाई मांग, बोले पद का कर सकते हैं दुरुपयोग। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले में दिया जवाब, कहा मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा बार बार मांग बदल रहे हैं पहलवान, मेरे इस्तीफे से संतुष्ट तो इस्तीफा देने को तैयार। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा खिलाड़ियों ने नहीं किया कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार, सीधे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पहलवानों को आम आदमी पार्टी मंत्रियों का समर्थन, सौरभ भारद्वाज ने कहा पहली बार असली पहलवान से भिड़े राजनेता, भगवान राम को भी बजरंग की जरूरत पड़ी। सौरभ भारद्वाज का आरोप सरकार कर रही है यौन शोषण करने वालों की सुरक्षा, सब देख रहे हैं। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, अब हाईकोर्ट में करेंगे बेल की अपील। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के खिलाफ ईडी की दलील, कहा पॉलिसी बनाने में सिसोदिया की मुख्य भूमिका, जमानत देना उचित नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा आज शाम 6:15 बजे, बेंगलुरु में मेगा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक दौरे के पहले दिन पीएम मोदी आज हुमनाबाद, विजयपुरा, कुदाची और नॉर्थ बेंगलुरु में रैलियों को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे हरमाबाद, दोपहर 1 बजे विजयपुरा में पीएम मोदी की जनसभा, 2:45 बजे कुदाची बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अपने दौरे के 2 दिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी कोलार, चन्नापटना और बेलूर में रैलियों को करेंगे संबोधित।